सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर जिस मीडियम में पड़े होते हैं या उसके लिए एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कवर्ड यूज होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, सही। अब किसी भी सेल में, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल है चाहे वो प्रोकेरियोटिक सेल है, दोनों तरह के सेल्स में चार चीजें पहले भी हमने पढ़ा था कि वो मौजूद होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, या राइबोसोम से भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका डीएनए न्यूक्लियोइड, सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए न्यूक्लियोइड, उसका साइटोप्लाज्म, राइट, और साथ में क्या, राइबोसोम। ये चार चीजें आपको हर सेल के अंदर मिलेगी, चाहे प्रोकेरियोटिक सेल है या यूकेरियोटिक सेल है। तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए होते हैं, यानी एक दफा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आप जाएं, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा क्या कहलाता है, तो ऑर्गेनेल्स समेत या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म सारे को मिला दें तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है प्रोटोप्लाज्म की, जो कि हमने सेल वॉल के टॉपिक के अंदर समझी। अब ये जो साइटोप्लाज्म है तो किस एरिया के अंदर मौजूद है, फर्स्ट है हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, सपोज दैट वी से कि दिस इज न्यूक्लियस, और हमने एग्जांपल ली क्या, ये डायग्राम फर्स्ट करें हमने बना ली किसकी, ये हमने बना ली एनिमल सेल की, किसकी डायग्राम बना ली, एनिमल सेल की डायग्राम बना ली, और ये वाली हमने बना ली किसकी डायग्राम, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल के बाद डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल के बाद इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इस सारे एरिया के अंदर क्या, इस सारे एरिया में जो क्या है, इस सारे एरिया में जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, राइट, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स भी पड़े हुए हैं, जिसके अंदर रिएक्शंस भी होंगे, जिसके अंदर आयन वगैरह भी पड़ेंगे, जिसमें स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो है वो भी पड़े हुए हैं, राइट, इसी तरह इसके अंदर क्या मौजूद है, इसी तरह इसके अंदर जो पाथवे रिएक्शंस है उसके एंजाइम मौजूद है, वो पाथवे रिएक्शंस खुद यहां पर होंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, समझ आ गई, जिसको हम प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे जो आगे हायर क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो चिकेमिक पाथवे है या मेलोनिक पाथवे है या मेलोनिक एसिड पाथवे है, तो मुख्तलिफ जो सेकेंडरी कार्बन मेटाबॉलिज्म के पाथवेज हैं वो भी कहां पर हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे हैं। इसी तरह अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भी क्या है, इस प्लांट सेल में भी यानी ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस वगैरह के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर तक ये सारा जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इस सारे के सारे को हम क्या कह रहे हैं, ऑल दिस इज रिगार्डेड एज साइटोप्लाज्म, इस सारे को हम क्या कहेंगे, इस सारे साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब आगे के इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये टर्म तक ना करें आपको, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितना सरफेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
बात जितना सरफेस है ये सारे का सारा एरिया किसने कवर किया हुआ है, ये ग्राउंड सब्सटेंस ने कवर किया, इसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। एक्वा सबने इसको क्यों कहा? एक्वा कवर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? एक्वा कवर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए। लिहाजा इसका जो 90% है वो किस पर मुस्तमिल होता है? वाटर पर मुस्तमिल होता है। और पानी की प्रॉपर्टी क्या है? तो पानी की प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो अगर इफ वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो पानी किस चीज में मदद दे रहे हैं? वो पॉइंट हमने यहां पर आखिर में लिखा है कि इसमें क्या मौजूद है? बहुत सारे रिएक्शंस और बायोसिंथेसिस। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको एग्जाम्पल दी प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म या सेकेंडरी कार्बन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सिंथेसिस होगी, तो वो सिंथेसिस जो है बायोसिंथेसिस कहलाएगी। कहां पर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। एक्वस इसलिए कहा कि इसमें पानी है, प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या मौजूद है? जो बड़े स्ट्रक्चर इसके अंदर पड़े हुए हैं वो तो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पॉलीऑक्सीसोम वगैरह ये चीजें हैं। और ये एक छोटी सतह पर देखें तो इसमें आयंस मौजूद हैं, रॉ मटेरियल मौजूद होंगे जो पाथवे रिएक्शंस होंगे जिसमें किसी चीज की सिंथेसिस होगी, या स्टोरेज सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। तो स्टोरेज सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए मिसाल के तौर पे ये जो स्टोरेज सब्सटेंसेस है ये पड़े होते हैं किस चक्कर में? ये पड़े होते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की शक्ल में। किस शक्ल में पड़े होते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की शक्ल में पड़े होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, ये क्या हो सकते हैं? तो मिसाल के तौर पे ये हो सकता है स्टार्च। क्या हो सकता है? स्टार्च, जो कि एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। यानी प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ये करते हैं कि वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट को जखीरा करते हैं जो जरूरत के वक्त उसके काम आएगा। सही, यानी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या रूट्स के अंदर भी उसको स्टोर कर देते हैं। तो इस पॉलीसेकेराइड का नाम क्या है? स्टार्च। और ये स्टार्च काफी मिकदार में पड़ा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं। इसी तरह क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन हो सकता है। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अच्छा, तो इसमें स्टोरेज सब्सटेंसेस है या वेस्ट टू बी रिमूव। अब ये वेस्ट कैसे रिमूव होंगे? तो ये वेस्ट एक खास प्रोसेस के जरिए से रिमूव होंगे जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कवर नहीं किया। थोड़ा सा यहां पर हम या इस टॉपिक के बाद उसको हम कवर करेंगे। तो वेस्ट असल में रिमूव होते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है, इसके जरिए से वो सेल से बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जब तक सेल से एक्सक्रीट या रिमूव नहीं हुए उस वक्त तक ये पड़े होते हैं इसमें, साइटोप्लाज्म जो है उसमें पड़े हुए होंगे। अब ये जो साइटोप्लाज्म है आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सॉल्यूशन भी बनाता है। ये तरह का क्या बनाता है? सॉल्यूशन जो है वो भी बनाता है। तो साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स हैं वो दो तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा जो है उसको हम कोलाइडर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडर सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये इसके अंदर क्या होते हैं? ये इसके अंदर मेजरली डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। मेजरली क्या होते हैं? डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। और इसके अंदर क्या हो सकते हैं? तो इसके अंदर कुछ यानी छोटे कंपाउंड जैसे शुगर्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, समझा कीजिए, या आयंस हैं या छोटे फैटी एसिड्स हैं। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें, ये छोटे स्ट्रक्चर जो है ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये किससे निकला है? ये कोला से निकला है। और कोला का मतलब क्या होता है? कोला का मतलब होता है जेल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो कि ये जेल लाइक है। ये क्या है? जेल लाइक है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन किसका है? तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है। किसका है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है। मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर प्रोटीन्स एंड अदर पॉलीमर्स, प्रोटीन और बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे, बड़े जो पॉलीमर्स होंगे। तो ये कहां पर पड़े हुए हैं? दीज पॉलीमर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द
साइटोप्लाज्म राइट। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन आगे इसकी हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। एक इसकी तकसीम हम करते हैं किसमें, एक इसकी हम तकसीम करते हैं सोल में, इसमें तकसीम करते हैं सोल, और दूसरी इसकी डिवीजन हम करते हैं जेल के अंदर, दूसरी इसकी डिवीजन हम करते हैं किसमें जेल में। जो सोल और जेल है, जो क्या है सोल और जेल है, तो सोल हम किसको कहते हैं, सोल जो है हम कहते हैं नॉन विस्कस, और विस्कस का मतलब क्या है गाढ़ा, विस्कस का मतलब क्या है गाढ़ा, और जेल जो है ये क्या है, ये विस्कस है। इन दोनों में पोजीशन वाइज अगर देखें तो जो नॉन विस्कस है ये कहां पर मौजूद है, नॉन विस्कस जो है ये सेंटर की जानिब मौजूद है, और विस्कस जो है ये पेरिफेरी की जानिब मौजूद है, किसकी जानिब मौजूद है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी का मतलब होता है किनारा। अब सेल में सेंटर से मुराद क्या है, तो सेल में सिंपल बात ये कि सेंटर से मुराद ये है कि ये न्यूक्लियस के करीब है, किसके करीब है न्यूक्लियस के करीब है, और पेरिफेरी किनारे का मतलब क्या है, तो दिस इज नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसके करीब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है राइट, किसके करीब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके करीब ये मौजूद होता है। अब उससे आगे चले साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे पड़े हुए हैं, एक तो हमने ये चीज पढ़ ली, बात कुछ के अंदर ये जो डिवीजन है ना सोल और जेल की, तो इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है साइटोसोल लिखा हुआ है जैसे मेटल का कुछ से, और इसको क्या लिखा हुआ है, इसको साइटोजेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइटोजेल। तो जो साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट है उसके लिए साइटोसोल का वर्ड यूज होता है, किसका वर्ड यूज होता है द सोलुबल पार्ट ऑफ, क्या सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल, समझ आ गई। तो ये तो उसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे पड़े हुए हैं, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी होता है कि मुख्तलिफ जो चीजें जिनकी सिंथेसिस हो चुकी है, जिनकी सिंथेसिस हो चुकी है वो या खुद एक बड़ा ऑर्गेनेली, खुद एक बड़ा ऑर्गेनेली हरकत करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। मिसाल के तौर पर ये कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहां से मूवमेंट करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा राइट। प्लांट सेल्स के अंदर आप नोट करेंगे कि प्लांट सेल्स सनलाइट के लिए, किसके लिए सनलाइट के अंदर, इसके जो मिसाल के तौर पर सनलाइट का एंगल यहां से बन रहे हैं, तो इसके जितने क्लोरोप्लास्ट होंगे वो क्या करेंगे, जितने क्लोरोप्लास्ट होंगे वो यहां साइड पर आ जाएंगे, यहां पर मूवमेंट करेंगे। इसी तरह खासतौर पर जो वेसिकल्स हैं, खासतौर पर जो क्या है वेसिकल्स हैं, तो ये वेसिकल्स तो बड़ी क्या है, बड़ी मिकदार में या आप कह लें कि बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार मूवमेंट करते हैं। तो इन वेसिकल्स में कुछ वो वेसिकल है जो क्या है सेल में किसी सब्सटेंस को अंदर लेकर आ रहे हैं, कोई किसी सब्सटेंस को बाहर लेकर जा रहे हैं, कोई किसी चीज की मैच्योरेशन कर रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट होती है, इनकी क्या होती है मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट में अब दो चीजें आ गई, जो साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो है साइक्लोसिस करता है, क्या करता है साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस हम किसको कहते हैं, साइक्लोसिस हम स्टीमी मूवमेंट को कहते हैं, साइक्लोसिस ये क्या है, दिस इज स्टीमी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्टीमी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब क्या है कि लहर की तरह वो हरकत कर रहे हैं, ये दो चीजों में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, दो चीजों के अंदर ये हेल्प कर रहा है, एक तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट या ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई चीज अरेंज हो रही है। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल किसकी आ जाएंगी, इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल वेसिकल की और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और दूसरी है अमीबॉइड मूवमेंट। तो एक खास तरह की मूवमेंट है
जो कि एक सेल के अंदर होती है या आप कह लें कि एक प्रोटिस्ट है या प्रोटोजोन है उसके अंदर होती है, और उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे मिसाल के तौर पे अमीबा है, क्या है अमीबा, तो अमीबा के छोटे छोटे टर्म और स्ट्रक्चर होती है जिनको क्या कहते हैं, जिनको सुडोपोडिया कहते हैं, क्या कहते हैं सुडोपोडिया। ये जो सुडोपोडिया है ये हरकत करते हैं और इसकी वजह से पूरा अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, राइट। सो अनवॉइड मूवमेंट जो है ये किसके होते हैं, दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन के अंदर ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स दे रहा है जिसकी वजह से क्या है अमीबा एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है। अब यहां पर एक और फैक्टर जो है उसको भी नोट कर लें, देखिए या तो एक खास तरह का प्रोटीन है जिसको हम माइक्रोटिब्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोटिब्यूल, या माइक्रोटिब्यूल समझ आ गई, या क्या है या आप कह सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट होगा, माइक्रोटिब्यूल होगा या क्या होगा एक्टिन फिलामेंट होगा। तो उसके साथ क्या चीज मिल जाती है, उसके साथ छोटे प्रोटीन मिल जाते हैं जिनको हम मोटर प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं मोटर प्रोटीन। अच्छा ये जो मोटर प्रोटीन्स हैं, तो एक मोटर प्रोटीन्स के जरिए से क्या होगा, इन मोटर प्रोटीन्स के साथ मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनेल जो है वो अटैच हो गया, एक ऑर्गेनेल क्या हो गया अटैच हो गया, तो ये मोटर प्रोटीन बिल्कुल जैसे कोई चीज हरकत करती है वॉक, सही, इट वॉक्स ओवर द क्या, इट वॉक्स ओवर द माइक्रोटिब्यूल और एक्टिन। अच्छा ये जो मोटर प्रोटीन है ये कितने तरह के हो सकते हैं, तो ये मोटर प्रोटीन इसमें एक एग्जांपल आपके पास आ जाएगी किसकी, एक एग्जांपल आ जाएगी काइनेसिन की, इसी तरह एक एग्जांपल इसके अंदर आपके पास डायनिन की आ जाएगी, और इसी तरह इसके अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाएगी डायनेक्टिन की। सो ये मोटर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, दीज मोटर प्रोटीन्स दे हेल्प द ऑर्गेनेल्स टू मूव। तो ये जो वेसिकल है ये यहां से कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, करते करते यहां पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने मूव करेगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा है उसमें एक रोल किसका शामिल है, एक रोल मोटर प्रोटीन जो है उनका भी शामिल होता है। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। ये बहुत सारे रिएक्शन भी यहां पर हो रहे हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस हमने कहा या सेकेंडरी कार्बन मेटाबॉलिज्म या सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज वो इसके अंदर होंगे। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ ये है कि साइटोप्लाज्म जो है ये होल्ड करता है सारे ऑर्गेनेल्स, यानी सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी के अंदर क्या है पड़े हुए हैं, और इसका मेजर हिस्सा किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है।